अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुदेश खान, आप लोग देख रहे हो सुदेश रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आजकल आप लोगों को तो पता होगा कि इंडिया में के क्या हालात चल रही है, क्या हालात है आप लोगों को तो ये आप लोग तो बाखबर होंगे। तो दोस्तों ये आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त है, समा टीवी से ये वीडियो अपलोड हुई है और के टाइटल है स्पेशल ईदी प्रोवाइड्स 50 एम्बुलेंस टू इंडियन। देखते हैं कि वीडियो जो शॉर्ट सी वीडियो है आप लोग ज़रूर देखें और इसके बाद हम इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल ईदी ने भारत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। उन्होंने भारत को 50 एम्बुलेंसेस फराहम करने की पेशकश कर दी और ये सब ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद है फैसल ईदी साहब। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, कहिएगा आपके जज्बा इंसानियत ने हमने देखा कि ट्विटर पर भी इस वक्त टॉप ट्रेंड है कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया, एक आपका कदम दो मुल्क करीब आ गए। इस वक्त ट्विटर पर भी हम देख रहे हैं कि लोग इसको सराह रहे हैं, पूरी दुनिया इसको सराह रही है। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ने जो है वो हमें मौका दिया है तो हम क्यों ना किसी को तकलीफ में उसकी मदद करें। बिल्कुल फैसल भाई, जवाब आया? नहीं, जवाब अभी तक नहीं आया है। अच्छा फैसल भाई, ऐसे कौन से मनाजर थे, ऐसी कौन सी खबर थी, ऐसा कौन सा मामला बना जिसने आपको फौरन ये सोचने पर मजबूर किया, फिर आपने एक्ट किया, आपने लेटर ही लिख दिया, 50 एम्बुलेंस फराहम करने की बात कर दी? हाँ, मैंने असल में जो न्यूज आ रही थी इंटरनेशनल न्यूज बीबीसी पे और दूसरे चैनल्स पे मैंने देखा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जिस तरीके से लोग वहाँ पे तकलीफ में थे और जो हालात बन रहे थे, तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम इनकी चूंकि मदद कर सकते हैं और हमें हमें करनी चाहिए, तो इसलिए फिर जो है वो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने फिर लेटर लिख दिया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दें, तो देखते हैं अगर वो हमें इजाजत देते हैं तो भी हम तैयार हैं, अगर नहीं देते तो भी देख लेते हैं, अल्लाह की मर्जी है, जो भी होगा अल्लाह ने अगर डिसाइड किया होगा तो शायद कर सकेंगे काम। ठीक, अच्छा फैसल भाई मुझे ये भी बताएं कि अगर वो कबूल कर लेते हैं इस ऑफर को, आप इसको मुमकिन कैसे बनाएंगे, पॉसिबल कैसे होगा? पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम कोई तैयारी करेंगे और वहाँ पे जाएंगे, कोई जल्दी मतलब जाने वाली कोई तरीका करेंगे ताकि जो है लोगों की मदद जल्द से जल्द जो है वो पहुंचाई जा सके, उनकी मदद की जा सके, उनसे रابطे किए जा सके और वहाँ की मकामी अथॉरिटी जो होगी उनसे और पुलिस वालों के साथ मिलके हम वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है फैसल भाई, बेहद शुक्रिया आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं सब भारत में जो हालात हैं, कयामत सुबह है, ये इंसानियत का जज्बा, और जब इंसानियत का जज्बा हम दिखाते हैं दूसरे ममालिक के। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा जो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इस वीडियो में स्पेशल ईदी ने इंडियन को लेटर लिखा था कि इंडियन को 50 एम्बुलेंस को प्रोवाइड किया जाए और इनकी मदद की जाए। तो दोस्तों इंडियन में जो हालात चल रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं और काफ़ी हद तक लोग बहुत ही ख़राब हालात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हालात बेहतर करे, लेकिन ये जो प्रोवाइड्स की 50 एम्बुलेंस, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बहुत ही ज़बरदस्त इंसानियत वाला काम है और स्पेशल ईदी ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी और रमज़ान अल मुबारक का महीना चल रही है। तो दोस्तों ये और भी अच्छी बात है कि इस महीने में किसी की हेल्प की जाए, हमसाए मुल्क की मदद की जाए और नफरत ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए और प्यार मोहब्बत और शाना बशाना अपने हमसाए मुल्क के साथ खड़े होकर उनकी सख्त हालात में उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर उनकी मदद की जाए, तो ये और ज़बरदस्त बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। दोस्तों बहुत सारे लोग बैड कमेंट करते हैं, बैड कमेंट से दोस्तों मत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि कोरोना केसेस इंडियन से भी ख़त्म हो जाए, अकेले इंडियन से नहीं ताकि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, क्योंकि सब इंसान है, सबको कोरोना लगती है, सबको तकलीफ होती है। तो आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें, रमज़ान का महीना चल रहा है, दुआओं कबूल होती है इस महीने में, तो आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये कोरोना केसेस ख़त्म हो जाए और हालात बेहतर हो जाए। तो दोस्तों 50 एम्बुलेंस प्रोवाइड की इंडियन को, तो आप लोगों को बाहर करना चाहिए अपनी पाकिस्तान कंट्री पर कि पाकिस्तान ने अपनी हमसाए मुल्क की मदद की। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बात है, मुझे तो ये बात बहुत ही ज़बरदस्त लगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बात है और ये बात आप लोगों को
इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करना है और आप लोगों से कोरोना से बचना चाहिए, अपना ख्याल रखें और घर से ज़्यादातर बाहर ना निकले क्योंकि ये हालात हर मुल्क पर आ सकते हैं क्योंकि ये कोरोना जो है बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ सकती है हर कंट्री में। तो आप लोगों को एहतियात करना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए अपना। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे हालात को और हर कंट्री से ये कोरोना ख़त्म हो जाए। वायरस से बीमारी है, बीमारी से इंसानों से ख़त्म हो जाए तो बेहतर होगा। अल्लाह ताला से दुआएं, आमीन, अल्लाह ताला कबूल करे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग की वीडियो कैसी लगी और ये बताएं अगला रिएक्शन किस वीडियो पर करें।